अपोलिटिकल इंद्रजीत फिर से स्वागत करता है एक अवेयरनेस ब्लॉग पर। व्यूअर्स, चलो आज हम कुछ बातें करेंगे भूकंप के बारे में। टुडेस टॉपिक इज ऑन अर्थक्वेक। अच्छा, भूकंप में हमें क्या क्या करना चाहिए और तैयारियां, प्रिपेयर्डनेस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। भूकंप को डेफिनेशन में तो क्या बोलेगा आप, वो एक इंस्टेंस शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है। वो जब दो ब्लॉक फिसल जाता है, माने आर्ट का अंदर में प्लेट टेक्टोनिक्स बोलता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि मैं भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं हूँ और उसका बारे में जाके भी फायदा नहीं है। आज हम लोग ये बातें करेंगे प्रिपेयर्डनेस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इंडिया को जैसे उन लोग डिवाइड किया है सिस्मिक जोन। सिस्मिक जोन का मतलब होता है माने अर्थक्वेक आने का चांसेस कितना है कितना नहीं है, उसको उन लोग डिवाइड किया है। तो इंडिया को चार भाग में किया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। वो किया है तो मैं जोन 2 से बताना शुरू करूँगा। जोन 2 जहाँ होता है वहाँ पर लो इंटेंसिटी, यानी कि अर्थक्वेक आने से भी वहाँ का इंटेंसिटी, अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा लो होगा। और जोन 3 में मॉडरेट होगा, आएगा मॉडरेट होगा फिर भी। और जोन 4 में सीवियर इंटेंसिटी होगा, बहुत सीवियर होगा, उसमें भी आएगा, झटका बहुत लगेगा। अगर बड़ा वाला आएगा तो उसमें भी सीवियर होगा। और जोन 5 जो लास्ट जोन है वो वेरी सीवियर इंटेंसिटी, उसमें तो उपाय नहीं है अर्थक्वेक आने से। 7 एबव का अर्थक्वेक आने से तो चला जाएगा सब। तो अनलकीली हम लोगों का नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वो जम्मू कश्मीर और गुजरात का कुछ पोर्शन है और दिल्ली का भी कुछ पोर्शन आता है उसमें, ये सब जोन 5 में आता है। तो हम लोगों को हमेशा प्रिपेयर होकर बैठना है हम लोगों को। तो कुछ आप जानते हैं, रिसेंटली 6 फरवरी को उसमें तुर्की और सीरिया में तो भयानक 7.8 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। आप सोचिए, उसमें उन लोग प्रिपेयर नहीं था। अब तक न्यूज़ में तो सुना है 37,000 आदमी मर चुका है। अब वो तो सरकारी आंकड़ा है, और कितना मरा होगा, 50,000 से ज़्यादा मरा होगा मेरा अंदाज में। वैसे तो अर्थक्वेक को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो 6 फरवरी को हुआ था उसको तो शायद गलती से क्या ना, उसका वो कुछ टेक्निक निकला है, वो प्रैंक हुजा बीट्स बोल के एक रिसर्चर है, डच रिसर्चर है, वो नेदरलैंड्स का है, उसने प्रेडिक्ट किया था ये इलाका में 3 फरवरी को भूकंप आएगा बोल के तुर्की और सीरिया में। लेकिन 3 दिन ये हो गया, 6 फरवरी को आया है। तो फिर वही प्रैंक जो हुजा बीट है उसने यहाँ भी कहा है कि शायद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी आ सकता है, ऐसे ही बोल के वो प्रेडिक्ट किया है। तो चलिए, इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, आप लोग प्रिपेयर रहिए हमेशा। तो कैसे प्रिपेयर रहेंगे ये बातें करेंगे हम लोग। प्रिपेयरनेस का बात करने से सबसे पहले मैं तो कहूँगा, जो आप लोग बिल्डिंग या हाउसेस बनाते हैं उसको जैसे भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वाला बनाइए। और आप जिस घर में अभी रह रहा है उसको भी देखिए, वो कितना पुराना हो गया। वो तुर्की सीरिया वाला में तो हमने देखा है, जितना पुराना बिल्डिंग है वो सब गिर गया। जो रेजिस्टेंट वाला बिल्डिंग है वो तो गिरा नहीं है, सामने में है लेकिन वो साथ में साइड में कोई गिर रहा है, लेकिन वो वही का वही खड़ा था वो। यानी कि घर बनाने का ढंग से भी होता है, इसलिए जब भी घर बनाएगा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट वाला ही बनाना चाहिए। और सेकंड है, आपका जैसे कि आपका सोने का जगह में ऊपर में कभी भी हैवी ऑब्जेक्ट रखना नहीं है। ग्लासेस सामने भी होना नहीं चाहिए, बिग ग्लासेस, ये सब माने आप देखिए, आप पंखा कितना बड़ा पंखा है, सीलिंग फैन वो को भी देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा चीज़ देखना चाहिए आप लोग प्रिपेयरनेस के लिए। इसके बाद है बहुत कुछ, जैसे कि आप हमेशा उसको अपना पर्सनल चीज़ बनाइए, जैसे कि हो गया टॉर्च, आपके पास टॉर्च है क्या, नहीं है, टॉर्च रेडी रखिए हमेशा, वो भी ऐसे रख दीजिए, आप यूज़ करो या मत करो, आपका रूम में जैसे भी एक टॉर्च होना है। और वाटर तो होना ही है, जैसे भी रखता है, लेकिन कोई कोई इतना ये होता है कि वाटर भी नहीं रखता, क्योंकि वाटर रखिए, वाटर बॉटल्स। इसके बाद जरूरी है फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स तो रखनी है जैसे भी है। और साथ में आपका
आप दवा खाते हैं तो आपका एक सप्ताह का दवा तो जैसे भी होना है, साथ में उसको जैसे भी रखिए, यह रखिए। इसके बाद आप एक नाइफ भी रख सकता है, चाकू, वो सिर्फ आर्ट क्विक में नहीं, कुछ कुछ गुंडा उंडा आने से भी काम आएगा तो मजाक। इसके बाद एक रोप रखिए, रस्सी, छोटा आने से भी चलेगा, वो लंबा वाला एक रस्सी आप उसको राउंड करके अभी आप बिस्तर का नीचे भी रख सकता है। इसके बाद आपका रूम में बिस्किट्स, बिस्किट का पैकेट होना जरूरी है, वो बोतल में रख सकते हैं आप, बोतल में रख दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। और अगर बिस्कुट नहीं रखना चाहता है तो आप ड्राई फ्रूट्स भी रख सकता है, जैसे कि आलमंड हो गया, बादाम, और ये हो गया जैसे कि मूंगफली हो गया, ग्राउंड नट, वो सब रख सकता है। वो ड्राई फ्रूट्स लोग बहुत तो लास्टिंग रहता है, वो काम आएगा, बहुत काम आएगा वो। इसके बाद एक रेडियो सेट रख लीजिए, क्योंकि आर्ट क्विक में बाई चांस कुछ कुछ हो जाने से टीवी भी तो फूट जाएगा, इसके बाद आएगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहेगा तो काम आएगा क्या, रेडियो ही ट्रांजिस्टर ही काम आएगा, तो एक रेडियो भी रखना जरूरी है। और बहुत कुछ है ऐसा, आप भी कुछ सोच के रख सकते हैं सामान, वो आपका रूम में जैसा भी होना है, आप यूज़ करो या ना करो, उसको जैसे भी रखना है, ये है। वो हो गया प्रिपेयरनेस के बारे में। अब आते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्टक्वेक आपको क्या करना पड़ेगा, बाई चांस आर्टक्वेक आ गया तो उसमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले है कीप काम बट बी स्मार्ट, मेरा हिसाब से नर्वस होना नहीं है, कीप काम बट बी स्मार्ट, दिमाग एकदम, दिमाग का एंटीना जो है जहाँ तहाँ लगाना है, लेकिन शांति बरकरार रखना है। और आप ये याद रखिए, ये तो हमेशा सिखाता है, स्कूल में भी सिखाता है, डक कोबार एंड होल, उसको तो सिखाता है, इसको हमेशा याद रखिए, डक कोबार एंड होल, उसको बहुत पॉपुलर हो गया ये तो, DSR मैनेजमेंट का कुछ डिपार्टमेंट का कुछ ये लोग भी आया था, उसमें सिखाया था आपको डक करना है, जैसे कि आपको एक आ गया, आपको तो मालूम नहीं है अभी आएगा बोल के, आ गया बोलने से आप हमेशा डक करना है, माने झुक जाना है आपको, और नी का ऐसे आप भेज जाना है, क्योंकि वाइब्रेशन से आप गिर सकता है। और आप क्या करना है, कोबार करना है, यानी कि कोबार क्या को करना है, आपका हेड पोर्शन, आपका पेट टूटने से भी हो जाएगा, हार्ट टूटने से भी हो जाएगा, आप जिंदा होगा, लेकिन अगर हेड इंजुरी लगेगा तो आप देखते हैं, हेड इंजुरी बहुत मुश्किल है, हेड इंजुरी, इसलिए हेड को कवर कर लेना है आपका हार्ट से। इसके बाद होल करना है, होल कहाँ में करना है, अगर बिस्तरा है तो बिस्तरा का नीचे चला जाना है, या कोई डेस्क है या कोई टेबल है अच्छा वाला, तो उसका नीचे में आप जाके उसमें पकड़ना है, जब तक वाइब्रेशन रहेगा तब तक पकड़ना है, ये है। इसके बाद सबसे सेफेस्ट प्लेस क्या है आर्टक्वेक होने का समय में, सोचिए आप लोग भी, सेफेस्ट प्लेस वो होता है ओपन स्पेस, जहाँ पर कोई बिल्डिंग ना हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग या कोई बड़ा पेड़ नहीं है, ओपन स्पेस, ओपन स्पेस अगर आपको मिल जाता है तो वो तो बहुत बढ़िया हो गया, आप बच गया, ओपन स्पेस सबसे बढ़िया होता है। और आपको याद रखना है, बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है ना, उसमें टाउन में, हम लोग का इधर में तो इतना नहीं होता है, गाँव में, टाउन में तो होता है, उसका बिल्डिंग का आसपास में कभी भी खड़ा नहीं होना है, हमको ये बचाएगा वो बचाएगा, क्योंकि वो बिल्डिंग भी गिर सकता है आपका ऊपर में, इसलिए साइड हो जाना है, अगर वाइब्रेशन को ये करना है, आप देखना है, आपका ये दिमाग ही उसमें आपको बचाएगा, इसलिए हम बोलते हैं बी काम बट स्मार्ट। हम हमेशा पहले शुरुआत में हम बोला था, आप बिल्डिंग के सामने में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग के सामने में खड़ा नहीं होना है, इसका बाद बड़ा बड़ा अगर कोई पेड़ है तो उसका सामने में तो खड़ा होना ही नहीं है, वो तो और वो डेंजर क्रिएट कर सकता है आपके लिए। और इसके बाद आप गाड़ी में जा रहे हैं, उसी समय आर्टक्वेक आ गया, उस समय भी आप गाड़ी को डायरेक्ट ये करना है, आप अगर ये कर लिया, महसूस कर लिया कि आर्टक्वेक है ये, तो गाड़ी को स्टॉप कर देना है और वही जगह में चुपचाप बैठना है, जब तक वाइब्रेशन नहीं रोकेगा तब तक आप वही गाड़ी के अंदर में चुपचाप बैठना है, और मौका मिलने पर आप ओपन स्पेस तलाश करना है। इसके बाद फटाफट ये करना है, फ़ोन जिसका करना है आपको जल्दी जल्दी, आपका फैमिली को फ़ोन कर सकता है, वगैरह को फ़ोन कर सकता है। इसके बाद एक चीज़ है, वो हमेशा आप याद रखिए, आप हम पहले बोला है ना मोबाइल प्रिपेयरनेस में, उसमें जैसे भी आप नंबर होना है आपका इमरजेंसी नंबर वाला, जैसे कि फायर ब्रिगेड का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, या मेडिकल का, सबका नंबर को आप जैसे भी आपका मोबाइल में रखना है। और आपका शौक ये बोलता है, आर्टक्वेक आने का बाद उसका जो साथी भाई, हम सिंपल में बता रहे हैं, साथी भाई दोबारा छोटा छोटा करके आर्टक्वेक आ सकता है, और आता ही है, उस दिन देखिए आप तुर्की सीरिया वाला में भी 7.8 वाला आया है, तो आदमी लोग तो बचने वाले तो बच गया, तो कोई कोई शांति हो गया, आपका शौक आया 7.5 वाला आया, फिर उसमें इतना डैमेज किया वो सेकेंड वाला, जो आधा बिल्डिंग टूटा था ना वो भी पूरा टूट गया उसमें, इसलिए उसको आपका शौक बोलते हैं। आर्टक्वेक का जो आता है फिर उसको आपका शौक बोलता है, आपका शौक फिर आ सकता है, इसलिए होशियार रहना है आप। मैंने आर्टक्वेक आ गया, आप तो बाहर निकल गया ओपन स्पेस में, तो
तो फैमिली सब सबको क्या क्या करके आप इतना जल्दी करना है कि मैंने ये करना है, आप शांति से करना है फिर भी जल्दी होना है, आप अपना शौक के लिए तैयारी होना है, प्रिपेयर होना है। तो आपको एक तो आना नहीं चाहिए, फिर भी खुश हो, प्रिपेयर होकर बैठने में क्या खराबी है। तो आप सब लोग आज जितना भी हम आइटम्स बोला है उसका खरीदिए, जिसके पास नहीं है रेडी करके रूम में रखिए, ताकि बाई चांस कोई ऐसे आपदा आने से भी आप आराम से उसका ये से आप ये होगा, आप बच सकेगा। तो इसी में ही मैं ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अगेन।